गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक। तो गाइज आज की जो वीडियो है वो होगी स्ट्रगल ऑफ फाइंडिंग पार्ट टाइम जॉब पार्ट टू। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट वन चेक नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर चेक कर लेना वो वाली वीडियो को। गाइज बहुत ज़्यादा लाइक शेयर्स मिले थे यूट्यूब के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए थे लोगों के, लोग और जानना चाहते थे कि पार्ट टाइम जॉब किस तरीके से और फाइंड करे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो में गाइज मैंने कुछ चीज़ें कवर नहीं करी थी, वो मैं ये वाली वीडियो के अंदर कवर कर दूंगा, बिकॉज मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रखे हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने बोली थी। सो आई विल मेक श्योर कि मैं वो सारी चीज़ें ये वाली वीडियो के अंदर कवर कर देता हूँ। अभी मैं हूँ यहाँ पे डेवन शेयर मॉल के बाहर, और लास्ट टाइम जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी वो थी तकुमशे मॉल के पास। ठीक है, तो विंडसर में सबसे बड़े दो ही मॉल है, सो डेवन शेयर एंड तकुमशे। तो आज हम लोग डेवन शेयर का पूरा एरिया कवर करेंगे और आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन से लोग हायर करते हैं, बिकॉज मैंने जो पहली वाली वीडियो बनाई थी वो एक महीने पहले बनाई थी और ये जो है वो एक महीने बाद बना रहा हूँ। तो अभी समर टाइम आ रहा है तो ऑब्वियसली हायरिंग ज़्यादा शुरू हुई होगी कंपेयर टू दैट ऑफ मेरी प्रीवियस वीडियो। तो गाइस अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते। शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियोस लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो कर दिया करो, अच्छा लग रहा है, अच्छी स्पीड से ग्रो कर रहे हैं। अब ज़्यादा देर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। सो मेरे पीछे यहाँ पे जो दिख रहा है गाइस ये डेवन शेयर मॉल है। हम लोग मॉल के अंदर बाद में जाते हैं, पहले मैं क्या करता हूँ बाहर जो जो शॉप्स है वो कवर कर लेते हैं एंड देन मॉल में जाके हम लोग पूछेंगे कि कोई हायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये कार देख के आपको कौन सी मूवी याद आती है मुझे जरूर बताना। अभी गाइस हम लोग चलते हैं प्रो हॉकी लाइफ के अंदर और यहाँ पे पूछते हैं कि वैकेंसीज है कि नहीं। हेलो, एक्चुअली गिव अ पार्ट टाइम जॉब, आर यू गाइस हायरिंग राइट नाउ? वी आर राइट नाउ, वी विल बी। डू यू हैव रेज्यूमे ऑन यू? या, आई डू हैव अ रेज्यूमे। तो गाइस प्रो हॉकी लाइफ अभी फिलहाल तो पता नहीं हायर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे बोला है कि नेक्स्ट मंथ उनके ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आप लोग जाके लाइक चेक कर सकते हो कि हायरिंग शुरू हुई है कि नहीं। तो अभी तो मैंने अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे। सो इसी तरीके से गाइज आप लोग शॉप में जाए, मैंने जो चीज़ आप लोग को बताई इसीलिए मैंने वीडियो अंदर जाके रिकॉर्ड किया था, बिकॉज लास्ट वाले जो मैंने पार्ट वन बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए थे कि अंदर जाके क्या बात करनी है। तो ये बात करनी आप लोग को अंदर जाके डायरेक्टली बोलो कि मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मुझे पार्ट टाइम जॉब चाहिए, तो आप लोग हायर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। सो डायरेक्टली दिल टेल यू वेदर दे आर हायरिंग और नॉट, और अगर कर रहे तो सही है, नहीं कर रहे तो रेज्यूमे तो ज़रूर देके आओ, बिकॉज उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो वो आपको बता देंगे। सो ये एक बहुत ज़्यादा कमेंट थी जो मेरे को बार बार मैसेज आए थे लोगों की कि भाई अंदर जाके क्या बात करता है तू। तो ये बात करता हूँ गाइज मैं अंदर जाके जो आप लोगों को मैंने दिखाया। अभी गाइज मार्शल्स में चलता है और मार्शल्स में पूछते हैं कि वो अभी हायरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखो गाइज अभी यहाँ पे बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा रश है, ठीक है, लाइन लगी हुई है, तो आप लोग ऐसे बीच में जाके नहीं पूछ सकते रेज्यूमे पार्ट टाइम जॉब के बारे में। तो आप क्या कर सकते हो ना, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं उनके, तो ऐसे टाइम पे एम्प्लॉयज़ को पूछ लिया करो कि यहाँ पे कोई मैनेजर है कि नहीं, वो आप लोग को डायरेक्टली लेके जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्टली यहाँ बीच में मत चले जाना वरना लोगों को डिस्टर्ब होगा। मार्शल्स पे गाइज ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, ठीक है, ये कार्ड मिला दिया है वो लोगों ने मुझे, TJX कैनेडा करियर्स करके। तो यहाँ पे जाके आप लोगों को अपना रेज्यूमे ड्रॉप करना है आपका एंड देन वहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये लोग ऑफलाइन एक्सेप्ट नहीं करते, सो फालतू में ये सब जगहों पे जाने का टाइम वेस्ट मत करो। मार्शल्स है, और मैंने अपनी पार्ट वन वाली वीडियो में बताया था कि कौन सी कंपनीज ऑनलाइन ही रेज्यूमेज लेती है, ऑफलाइन नहीं लेते ये लोग। सो ये जगह पे जाने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। सो अभी हम लोग आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पे JYSK है, सो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ जाके पूछते हैं कि ये एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। तो JYSK भी गाइस हायर नहीं कर रहा है अभी, बिल्कुल भी हायर नहीं कर रहे लोग, ऑनलाइन भी हायर नहीं कर रहे और ऑफलाइन भी रेज्यूमेज नहीं लेते, वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना रहता है इनके। और ये तो बोल रहे थे कि अप्रैल मई में या मई एंडिंग में शुरू करते हैं अपना मतलब एक्सेप्ट करना, बट अभी फिलहाल इनके पास पूरा स्टाफ है तो ये हायर नहीं करेंगे, जब भी कोई जाएगा तभी ये लोग हायर करेंगे। सो गाइस JYSK के बाजू में शर्विन विलियम्स पेंट्स है, बट हम लोग यहाँ पे जाएंगे नहीं बिकॉज ये लोग हायर नहीं कर रहे, मैंने फ्रेंड से पूछा था। सो अभी चलते हैं डॉलर ट्री में, डॉलर ट्री हायरिंग कर रहा है गाइस। तो यहाँ पे हम लोगों ने रेज्यूमे ड्रॉप कर दिया है। सो ये तो 24/7 हायर करते रहते हैं, इनका कोई सीजन ऐसा कुछ रहता नहीं है, बिकॉज कैशियर की कभी भी ज़रूरत पड़ती है ये लोग को, और स्टोर संभालने के लिए भी किसी की भी ज़रूरत रहती है लोगों को। तो ऐसा कुछ नहीं, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, जब भी कोई शॉप छोड़ता है या कोई कैशियर चला जाता है तो ये लोग हायर करते ही रहते हैं। सो इसलिए बोल रहे थे कि 24 आवर्स हम हायर करते हैं, जब ज़रूरत पड़ी कॉल आ जाएगा। सो डोलारामा तो गाइस सितंबर तक हायर नहीं करने वाला है, ठीक है, जो लोग काम कर रहे हैं उनको खुद को आवर्स नहीं मिल रहे वो लोगों को। सो हायरिंग तो अभी डोलारामा में नहीं हो रही है और सितंबर तक नहीं होगी, सितंबर भी शायद हुई तो ऐसा बोला है। सो डोलारामा में तो जाने का कोई मतलब नहीं है, ऑनलाइन भी ये लोग रेज्यूमेज लेते हैं बट अप्लाई करने का भी कोई मीनिंग नहीं है अगर हायर ही नहीं कर रहे तो। सो यहाँ पे गाइस पीछे आप लोगों को जो न्यूट्रिशन शॉप दिख रहा है, ठीक है,
मैं यहाँ पे गया अंदर और मैंने वो मैनेजर ओनर से बात करी, तो देखो एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। अब हुआ क्या, उसने कल ही एक बंदे को हायर किया है यहाँ पे हर्ब्स न्यूट्रिशन पे। सो वो बोल रहा था कि रैंडम कस्टमर था, वो आया, उसने पूछा मुझे जॉब चाहिए, उसके पास जॉब थी तो उसने उसको दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से भी कभी कभी चीज़ें हो जाती है गाइस। आपके रेज्यूमे भी पूछेगा नहीं वो, डायरेक्टली अगर आप किसी को पूछते हो जाके शॉप के अंदर की, लाइक मैनेजर हो या कोई भी एम्प्लॉई काम कर रहा है तो उसको पता होगा, क्योंकि मैनेजर एम्प्लॉई को बोलते रहता है कि मुझे अगर कोई हो तो बताना। सो अगर आप लोग डायरेक्ट अंदर जाके बात करोगे तो चांसेस बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं आपको जॉब मिलने के। सो अगर मैं एक दिन पहले आता तो शायद मैं हायर हो गया होता, बट कोई बात नहीं, वो बंदा लक्की था तो वो हायर हो गया यहाँ पे। सो बट उसने मेरा रेज्यूमे ले लिया है, बोलता है कि अगर मुझे आगे जाके ज़रूरत पड़ी तो आई विल कॉल यू। सो यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे शॉप्स है ये लेन में, हम लोग एक एक शॉप में चलते हैं और हर जगह पे पूछेंगे कि कौन हायर कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। वैसे मैं इससे पहले यहाँ पे कॉब्स ब्रेड में गया था, ठीक है, बट ये लोग अभी फिलहाल हायर नहीं कर रहे और बहुत ज़्यादा रश है अंदर, तो मैं सिर्फ जाके पूछ के बाहर निकल गया, ज़्यादा बात नहीं कर पाया। सो गाइज इजी फाइनेंस है यहाँ पे मत जाना अप्लाई करने के लिए, ठीक है। कोई भी तरीके के बैंक में या कोई भी तरीके के ट्रांजैक्शन होती है वो सब जगहों पे पार्ट टाइम स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। ये स्पा है, यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जाओगे तो आप लोग को पूछेगा एक्सपीरियंस क्या है, तभी आप लोग को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। Summer in the sense like which months? More for like June. Okay, June. Like June is summer. You don't hire like in winters and all? Not particularly, no, because we have a full-time staff already, so... थैंक यू, नॉट एन इशू। सो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, ये सब जगहों पे मैंने अभी जाके बात कर ली है। सो यहाँ पे जो आप लोग को फॉर योर किड्स दिख रहा है, डॉग शॉप है। सो यहाँ पे लोगों ने रेज्यूमे ले लिया है, ये हायरिंग करते रहते 24/7। बाजू में जो शॉप है वो है चैतिम है, ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा जॉब मिलना मुश्किल रहता है, बिकॉज ये लोग अगर लेंगे तो भी चाइनीज़ एम्प्लॉयज़ को ही लेंगे, इंडियंस को प्रेफर नहीं करते वो लोग लेना। सो बट फिर भी मैंने रेज्यूमे ड्रॉप कर दिया है, उसने बोला कि रेज्यूमे ड्रॉप कर सकते हो आप करना है तो, सो करके आया हूँ। फिर बाजू में फ्रेशी है, तो ये लोगों ने भी रेज्यूमे ले लिया था मेरा। ये इंडियन स्टोरी है गाइज, यहाँ पे इंडियंस ही काम कर रहे थे। बाजू में देन दिस इज़ कोडोबा, यहाँ पे भी इंडियन काम कर रहे थे, और बाजू में फाइव गाइज है। तो ये तीनों ने रेज्यूमे ले लिए और ये तीनों हायर करते रहते हैं 24/7। इनका कोई ऐसा फिक्स सीज़न नहीं होता कब हायर करते हैं कब नहीं करते, कभी भी हायर करते हैं, जब उनको ज़रूरत रहती है फ़ोन करते हैं, जब ज़रूरत नहीं रहती है फिर भी रेज्यूमे लेते रहते हैं, बिकॉज लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। देर इज़ नथिंग श्योरिटी इन दीज रेस्टोरेंट्स। बेसिकली गाइज मेरे एक्सपीरियंस में एक ही चीज़ कहूँगा, मैंने जो भी रेस्टोरेंट वाली शॉप्स में गया हूँ, रेस्टोरेंट्स हो या मॉटल्स हो, इनमें कोई गारंटी नहीं होती गाइज। आज इंसान काम कर रहा है कल छोड़ के चला गया, तो उनको ऑन द स्पॉट किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, खाना बनाने की वाले की ज़रूरत पड़ सकती है या कोई भी काम करने वाले की ज़रूरत पड़ सकती है। सो यहाँ पे ऐसा कोई टाइम नहीं रहता है कि विंटर्स में ये लोग हायर करते हैं, समर्स में हायर करते हैं, 24/7 सबको हायर करते ही रहते हैं ये लोग। सो आप कभी भी यहाँ पे जा सकते हो, ठीक है, अवेलेबिलिटी आप बस उनको दिखा देना, बिकॉज मैं जहाँ पे भी अंदर गया हूँ सब लोगों ने एक ही क्वेश्चन पूछा है, सबकी नज़र एक ही जगह जाती है कि कब अवेलेबल है, ठीक है। किसी ने ये नहीं पूछा है कि तेरा पास्ट एक्सपीरियंस क्या था, तुझे क्या आता है, किसी को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो सिर्फ अवेलेबिलिटी देखते हैं कौन से दिन पर अवेलेबल है एंड ऑल, दैट्स इट। और आपका फ़ोन नंबर और मेल आईडी एक बार चेक कर लेना रेज्यूमे बनाने से पहले। अगर रेज्यूमे वाली वीडियो चेक नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी लिंक है, ज़रूर जाके चेक कर लो कि रेज्यूमे कैसे आप लोग को बनाना है। मैंने डिटेल में सब कुछ बताया था वो वीडियो में, कहाँ से कैसे आप लोग को रेज्यूमे बनाना होता है, क्या करना होता है। सो ये पूरा जो लेन है ये कवर हो गया है, जितने भी शॉप्स थे सारे शॉप्स से जाके हम लोगों ने पूछ लिया है। सामने डोलारामा था, एशले था, पूछ लिया है डोलारामा हायर करेगा फ्यूचर के अंदर। एशले तो ऑनलाइन ही हायर करते हैं ये लोग, ऑफलाइन रेज्यूमेज नहीं लेते। बस ये वाले लेन में गाइज एक ही शॉप रह गया है, सनसेट ग्रिल, ठीक है। और हर जगह पे हम लोगों ने यहाँ पे जितना भी आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे हर जगह पे जाके मैंने पूछ लिया आप लोग को और बता भी दिया है कि कहाँ पे कौन हायर कर रहा है और कब कौन क्या हायर करेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे मैंने बताया, एक बार वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना, जब भी आओगे यहाँ पे आप लोग को बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार मैं पूछ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये लोग हायर कर रहे हैं। ये नया शॉप है गाइज, सनसेट ग्रिल, ठीक है। अभी ये लोगों ने कुछ टाइम पहले ही ओपन किया है यहाँ पे और हायरिंग चालू है, बिकॉज उनको स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, लोग चाहिए वो लोग को, तो हायरिंग चालू है यहाँ पे। सो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा एरिया कवर कर लिया है ये वाला, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, डेवनशायर मॉल के अंदर चलते हैं और वहाँ पे जाके लोगों से पूछेंगे कि ये लोग हायर करते हैं कि नहीं, ठीक है। अभी तक मैं डेवनशायर मॉल के बाहर था, अभी अंदर जाके, अंदर बहुत ज़्यादा शॉप्स है, तो वहाँ पे हर एक शॉप में पूछेंगे कि ये लोग हायर करते हैं कि नहीं। metro.ca में भी हम लोगों ने, मतलब मैंने रेज्यूमे ड्रॉप कर दिया है यहाँ पे, वो 1 month के अंदर अंदर स्टार्ट करेंगे लाइक रेज्यूमेज वेरीफाई करना, अभी तक जो भी लोगों ने रेज्यूमेज ड्रॉप किए हैं यहाँ पे। सो विद इन 1 month में हायरिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे। सो metro.ca के अंदर अगर आप लोग विंटर आ रहे हो तो
देख सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी। बट मैंने यहाँ पे अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर दिया है। और यहाँ पे भी एज यूजुअल अवेलेबिलिटी ही पहली चीज़ थी जो उन्होंने देखी थी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा आपको काम नहीं करना है जिसके लिए आपको कोई स्किल चाहिए, कैशियर का काम रहता है या फिर ऐसे ही कस्टमर सर्विस का काम रहेगा, तो इसके लिए आपको कोई ऐसी स्किल की ज़रूरत नहीं है। सो डायरेक्टली आप लोग अगर लिख दोगे कि ये अवेलेबिलिटी है मेरी और ऊपर दो तीन चीज़ें लिख दोगे वर्क एक्सपीरियंस में, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो गाइस मैं अभी डेवेंचर मॉल के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पे अर्बन प्लानेट है, ये लोग अभी फिलहाल हायरिंग नहीं कर रहे, मैंने पूछ लिया है। सो फाइडो है गाइस, फ्रीडम है और कोगैको है, ठीक है। ये तीनों मोबाइल के कंपनीज है और ये वाईफाई का कंपनी है। सो ये लोग गाइस ऑनलाइन ही रेज्यूमेज लेते हैं, ऑफलाइन रेज्यूमेज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सो मेक श्योर आप लोग इनके वेबसाइट पे जाके अप्लाई करो। मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में भी वीडियो बताया था, बट मैंने फाइडो और फ्रीडम को इंक्लूड नहीं किया था। ये वाली वीडियो के अंदर मैं वो भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ कि दे टेक ओनली ऑनलाइन रेज्यूमेज, नॉट ऑफलाइन। यहाँ पे पीछे गाइस आप लोग को सनराइज रिकॉर्ड्स दिख रहा है, ठीक है। ये एक अलग ही शॉप थी, ठीक है। पहला ऐसा शॉप था जहाँ पे मुझे कुछ पूछा उसने विदाउट अवेलेबिलिटी देखे, तो पूछता है कि तेरे को म्यूज़िक का नॉलेज है, मूवीज़ देखने का शौक है, बिकॉज हम लोग को यहाँ पे म्यूज़िक और मूवीज़ की ज़रूरत पड़ती है, और तू यहाँ पे क्यों काम करना चाहता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें उसने मुझे यहाँ पूछी। अभी तक मैंने जितनी भी जगहों पे अप्लाई किया है, जितनी भी जगह पे मैं पार्ट टाइम जॉब के लिए रेज्यूमेज ड्रॉप करके आया हूँ, किसी ने भी मुझे ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि तू यहाँ पे क्यों काम करना चाहता है। ये पहली शॉप थी जिसने ये क्वेश्चन पूछा कि यहाँ पे क्यों काम करना है आप लोग को। सो मेरे पास ऐसा कोई जवाब था नहीं, मैंने उनको बोला कि मूवीज़ म्यूज़िक देखता हूँ मैं, बट उतना भी शौक नहीं है मुझे देखने का। तो बोलते हैं कि फिर मुझे ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ मुझे ऐसा कोई चाहिए जो बहुत मूवीज़ और म्यूज़िक और ये सब सुनता है, देखता है, जिसे नॉलेज हो ये चीज़ों के बारे में। बिकॉज ये बेसिकली सीडीज़ का स्टोर है गाइस, जहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की सीडीज़ मिल जाएंगे, मूवीज़ मिल जाएंगे, उसी का स्टोर है ये। सो अगर आप लोग यहाँ पे कैशियर के लिए जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज कैशियर जो ओनर है वो खुद ही कम कर लेता है। तो अगर आपको और उससे अलावा कोई नॉलेज है तो आप लोग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये ब्लू नोट्स है गाइस, ब्लू नोट्स हायर नहीं कर रहे अभी फिलहाल के लिए। बाजू में जो मेंस वेयर है वो स्टोर क्लोज्ड है अभी फिलहाल। उसके बाजू में जो स्टोर है गाइस, ये लोग अभी लाइक अप्रैल मई तक हायर नहीं करने वाले, बिकॉज अभी उनको ज़रूरत नहीं है, लोग आ नहीं रहे इतने, और ये भी हायर नहीं कर रहे। तो मतलब जितने भी लाइन में आप लोग को स्टोर दिख रहे हैं, कोई भी हायर नहीं कर रहा है अभी फिलहाल के लिए। गाइस ये वाले लेन में जितने भी शॉप्स आप लोग को दिख रहे हैं, मैंने मोस्टली हर जगह पे पूछा है। कुछ लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, मतलब ऑनलाइन रेज्यूमेज लेते हैं, ऑफलाइन नहीं लेते। कुछ लोग ले ही नहीं रहे बिल्कुल भी, अभी फिलहाल के लिए हायरिंग हो ही नहीं रही है। बिकॉज आप देख सकते हो पूरे मॉल में, ठीक है, ये पूरा मॉल है और बिल्कुल भी कोई रश ही नहीं है, एक तरीके से बहुत खाली पड़ा हुआ है। तो ऑब्वियसली हायरिंग कम ही रहेगी यहाँ पे। सो ये सब जगहों पे हायरिंग नहीं हो रही है, और यहाँ पे आप पूछना मत, ये डायमंड के शॉप्स में और ये सब शॉप्स में आपको स्टूडेंट्स को नहीं रखेंगे। सो मेक श्योर आप नहीं पूछते हो। एंड ये लेन में बिल्कुल हायरिंग नहीं हो रही है, और ये लेन में मैंने पूछा है, कुछ जगहों पे रेज्यूमे लिया है, बट दूसरे सब जगहों पे वो लोगों ने यही बोला है कि आप लोग वेट करें दो तीन महीना, बिकॉज अभी फिलहाल उनको ज़रूरत नहीं है। तो ये तीन शॉप्स में गाइस रेज्यूमे ले लिया है। द सोर्स ऑनलाइन लेता है, बेस्ट बाय मोबाइल भी ऑनलाइन ही रेज्यूमेज एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग ऑनलाइन देते हो सोर्स में और बेस्ट बाय के अंदर, दूसरे सब जगहों पे ऑफलाइन ले लिया है वो लोगों ने। KFC, टाको बेल, टिम हॉर्टन्स अभी फिलहाल यहाँ पे कोई हायरिंग नहीं कर रहा है गाइस, और ये लेन में भी काफ़ी सारे लाइक शॉप्स है। तो हरी करी ने रेज्यूमे लिया है, उसके अलावा किसी और ने तो रेज्यूमे भी नहीं लिया है, बिकॉज अभी हायरिंग चल ही नहीं रही है। सो गाइस जितना भी कुछ मैं कवर कर सकता था वीडियो के अंदर, मैंने कवर करने की कोशिश करी है। पूरा डेवेंशायर मॉल का एरिया प्लस डेवेंशायर के अंदर जितनी भी शॉप्स थी, मैक्सिमम तो नहीं कह सकता मैं, बट मोस्टली मुझे जो काम के लगे इंडियन शॉप्स है, उसके अलावा जो ऐसे शॉप्स लगे कि मुझे जाना चाहिए, वो सब शॉप्स में मैंने जाके रेज्यूमेज ड्रॉप किया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना मुझे। अभी फिलहाल गाइस हायरिंग थोड़ा कम है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कम है, ठीक है। बिकॉज मुझे लगा समर टाइम आ रहा है तो लोग हायर कर रहे होंगे, बट अभी भी फिलहाल मॉल्स के अंदर इतना ज़्यादा रश नहीं है, लोग इतने आ नहीं रहे हैं। सो अभी इतनी हायरिंग भी नहीं करेंगे, ऑब्वियसली लोग नहीं आएंगे। तो वो सब लोग यही बोल रहे हैं कि एक दो महीने के बाद मेन हायरिंग शुरू होगी, जब समर्स आएंगे, लोग आएंगे बाहर तब। तो यही था गाइस आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस जितने इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूँ लाने की। प्लस गाइस अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, मिस्टर पटेल 908 के ऊपर, तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे भी मैं यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूँ जो आप लोग के काम आ जाए। सो गाइज आज के वीडियो में इतना ही था, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।